वालेकुम दोस्तों मैं हूं इंजीनियर हसन मुगल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टाइमर स्विच के बारे में एक ऐसे हफ्तावार टाइमर स्विच के बारे में जिससे आप पानी की मोटर को या किसी भी बिजली की चीज़ को किसी ख़ास टाइम के लिए ऑन या फिर किसी ख़ास टाइम या दिन के लिए ऑन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पानी की मोटर जुमे के दिन दो बजे स्टार्ट हो और दो बजकर तीस मिनट पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए तो आप इस टाइमर स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस टाइमर स्विच के अंदर सोलह एंट्रियाँ कर सकते हैं यानी कि इसके अंदर सोलह टाइम्स सेट कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर टाइमिंग्स वगैरह किस तरह सेट कर सकते हैं तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो को आखिर तक देखिएगा पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चले शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को जी तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसके अंदर टाइमिंग किस तरह सेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसकी वायरिंग किस तरह कर सकते हैं यानी कि आप इसके साथ किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को या किसी भी अप्लाइंसिस को किस तरह अटैच कर सकते हैं दो तरह के वीकली टाइमर स्विच हमारे पास आते हैं एक है जिसकी एक्यूरेसी सेकंड्स तक होती है और दूसरा जिसकी मिनट तक होती है ये वाला जो टाइमर स्विच है इसके अंदर यह सेकंड का ऑप्शन भी मौजूद होता है ये दूसरा मेरे पास एक टाइमर स्विच है इसकी जो एक्यूरेसी है वो मिनट तक है यानी कि आप इसके अंदर सेकंड एंटर नहीं कर सकते ये दोनों का मैं आपको रिव्यू बताता हूँ और इस्तेमाल बताता हूँ अगर आप किसी चीज को सेकेंड के अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं यानी कि एक चीज को आप दो सेकंड के लिए तीन सेकंड के लिए चला के या पांच दस सेकंड के लिए चला के फिर बंद करना चाहते हैं तो फिर आप सेकेंड्स वाला जो है वो टाइमर स्विच यूज करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि मिनट के हिसाब से यानी कि तीन मिनट बाद पांच मिनट बाद दस मिनट बाद तीस मिनट बाद आधे घंटे बाद तो फिर आप मिनट वाला जो है टाइमर स्विच यूज़ करेंगे। फिर आपको सेकंड्स वाले की जरूरत नहीं है इनपुट लाइन और लोड लाइन की डायग्राम पीछे बनी हुई है आपको मैं ये दिखा रहा था आपको यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग की है ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपने जो सेकेंड वाला स्विच है या वैसे भी इसके पीछे डायग्राम बनी होगी आप उस डायग्राम के मुताबिक इसकी वायरिंग कर सकते हैं यानी कि कहाँ पे आपने टू ट्वेंटी देनी है और कहाँ पे आपने लोड लगाना है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर टाइमिंग कैसे सेट करनी है तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि ये जो आपका ऊपर क्लॉक चल रहा है क्या इसकी टाइमिंग ठीक है अगर इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है तो सबसे पहले आप इसकी टाइमिंग ठीक करेंगे टाइमिंग ठीक करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ तो जब आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम के ऊपर तो यहाँ पे आपको नंबर चलता नज़र आ रहा है ऑन टाइम ऑफ़ टाइम अब सेकंड नंबर आ गया है सेकंड का ऑन टाइम ऑफ़ टाइम आ गया है जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे इस तरह ये फाइव सिक्स सेवन एट का ऑन टाइम ऑफ़ टाइम तो ये जो सेकंड वाला स्विच है इसके अंदर आप आठ टाइम टेबल एंटर कर सकते हैं और जो मिनट वाला आपको मैंने दिखाया था पहले टाइमर उसके अंदर आप 16 टाइम टेबल फ़िट कर सकते हैं यानी कि 16 एंट्रियाँ आप कर सकते हैं ये वाला जो है ये मिनट वाला है इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि इसके अंदर आप 16 टाइम टेबल फिट फिट कर सकते हैं यानी कि फ़िक्स कर सकते हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो सोलह जो है इसके अंदर हम एंट्रियाँ कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करेगा पहली एंट्री इसके अंदर हम करते हैं अभी ग्यारह बजकर अट्ठाईस मिनट हुए हैं तो इसके अंदर मैं पहला टाइम टेबल फीड करता हूँ यानी कि पहला ऑन टाइम इसके अंदर फीड करता हूँ तो यहाँ पे ऑन टाइम मैंने लिख दिया है ग्यारह बज के इकतीस मिनट और सेकंड इसका मैं कर देता हूँ सेकंड आप कर लें दस सेकंड ग्यारह बज के इकतीस मिनट और दस सेकंड पे ये ऑन होगा और अब मैंने इसका एंटर करना है ऑफ टाइम ग्यारह बज के इकतीस मिनट और सेकंड में अब इसकी एंटर कर लेता हूँ सेकंड कर लेता हूँ बीस सेकंड कर लेता हूँ तो ये हमारा ऑन और ऑफ़ टाइम एंटर हो चुका है तो अब हम चेक करते हैं थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसके बाद हम इसको चेक करेंगे क्या ये ग्यारह बज के इकतीस मिनट और दस सेकंड पे ऑन होता है इसके साथ ही आप डेज़ वाले बटन पे क्लिक करके तो डेज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि किस दिन जो है वो हमारा टाइम चले तो मैं सारे डेज़ के लिए कर लेता हूँ ये अब हम देखेंगे अभी जो रियल टाइम है जो रियल क्लॉक चल रहा है वो ग्यारह बज के उनतीस मिनट हुए हैं तो ग्यारह बज के इकतीस मिनट और दस सेकंड पे इसको ऑन होना चाहिए दोस्तों अभी ये हमारा ऑफ कंडीशन में है ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो आप मैनुअल पे एक दफ़ा क्लिक करके इसको ऑटो पे कर लें तो ये ऑटो पे हो चुका है 16 एम्पेयर तक का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर आप 220 पे चला रहे हैं तो आप 16 एम्पेयर तक का लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं तो ये 16 एम्पेयर तक का लोड आसानी उठा लेता है तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये बस हमारा टाइम मुकम्मल होने ही वाला है तो ये देखिए ये देखें ये हमारा ऑन टाइम हो चुका है तो अभी ये सेकेंड्स चल रहे हैं ये बीस पे जाके ऑफ हो जाएगा खुद ही ये देखें जी ये आटो ऑन भी हुआ है और आटो ऑफ भी हो गया है तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज़ है आप इसको पानी की मोटर्स के साथ लगा सकते हैं पानी की मोटर्स जो होती हैं आमतौर पे पाँच से दस एम्पेयर पे चलती हैं तो आप इसके साथ मोटर के साथ इसको बसानी लगा सकते हैं तो अब मैं बताता हूँ आप इसको इसका टाइम रियल टाइम जो है वो कैसे सेट करेंगे रियल टाइम सेट करने के लिए आप क्लॉक को दबा के रखेंगे और इसके साथ ही मिनट या सेकंड को दबाएंगे तो आपका टाइम सेट हो जाएगा ये बटन पे लिखा हुआ आ रहा है क्लॉक क्लॉक को दबा के रखना है आपने प्रेस करके रखना है और उसके साथ ही आपने ये मिनट डेज सेकंड्स वगैरह को जब प्रेस करेंगे तो उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा इसी तरह दोस्तों इसी की इसकी भी फंक्शनैलिटी इसी तरह ही है बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें लॉक भी लग जाता है तो लॉक को खोलने के लिए आप क्लियर के बटन को चार दफ़ा प्रेस करेंगे तो लॉक इसका खुल जाएगा तीन या चार दफ़ा इसको मसलसल प्रेस करेंगे तो लॉक खुल जाएगा बाकी इसका फंक्शन वही है उसी तरह आप इसके अंदर भी टाइम्स वग़ैरह सेट कर सकते हैं डेज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं बस इसमें लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे आप सेकंड्स तक किसी चीज़ को ऑन या ऑफ़ नहीं करवा सकते सिर्फ मिनट तक करवा सकते हैं दो मिनट तीन मिनट पाँच मिनट इस तरह आधा घंटा पूरा घंटा तो सेकेंड्स का ऑप्शन इसमें नहीं होता तो इसके साथ आप डेज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर सोलह एंट्रियाँ कर सकते हैं मिनट वाले के अंदर और जो दूसरा पहला मैंने आपको दिखाया है सेकेंड्स वाला उस उसके अंदर आप आठ एंट्रियाँ कर सकते हैं तो मिनट वाले के अंदर आप सोलह कर सकते हैं ये इसके अंदर एडवांटेज है और इसके साथ साथ इसकी स्क्रीन के ऊपर लॉक भी लग जाता है यानी कि जब लॉक लगा होगा तो आप किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग में कोई मसला नहीं होगा अगर आप किसी चीज़ को मैनुअली ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं किसी भी मोटर को मैनुअली ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है ये ऊपर एक मैनुअल का बटन है आप इसको जब प्रेस करेंगे तो चीज़ मैनुअल चलेगी इसकी वायरिंग का मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये आप डायग्राम के मुताबिक करें हर स्विच की डायग्राम ऊपर बनी होती है तो यहाँ पे जो मेरे पास स्विच है आपने एक तरफ इसको सप्लाई देनी है और दूसरी तरफ ये एज़ अ स्विच काम करेगा यहाँ पे। तो ये जो सेकंड वाला है इसको आपने एक तरफ इनपुट देनी है पावर सप्लाई देनी है और दूसरी तरफ आपने लोड लगाना है तो जब भी आपने इसको लगाना है तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है क्योंकि यह हर स्विच में डिफरेंट हो सकती है हर स्विच की बैक साइड पे लिखा होगा कि ये कितना लोड उठाता है ये जो मेरे पास स्विच है ये 16 एमपेयर का लोड उठाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये इसकी बैक साइड पे लिखा होगा सोलह एम्पेयर यहाँ पे ये वाला स्विच सोलह एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है अगर आप सोलह एम्पेयर से ज्यादा का लोड डालना चाहते हैं तो आप इसके साथ कंटेक्टर यूज कर सकते हैं यानी कि अगर कोई हैवी मशीन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप फिर कंटेक्टर यूज करेंगे दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो इस वीडियो के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं इंशाल्लाह बर वक्त उनका जवाब दूंगा वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज